बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और हर परेशानी, हर बीमारी, हर छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अभी जो है ना, अभी सहरी का टाइम है और यहाँ पर हम लोग है ना सहरी बना रहे नीचे, तो बस पता ही नहीं चला, कुछ घर के काम करने लगी थी और जो है ना बस सहरी का टाइम हो गया, तो हम लोग बस अब नीचे ही आकर ना सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये बच्चे भी जाग रहे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं ना, चार जो हुए हैं, और ये लोग शाम को सो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये बस सहरी वेरी करके हमारे साथ ही सोते हैं। तो हसन है ना यहाँ पर अभी कलर कर रहा है, हमने बोला चलो बैठ कर कलर कर लो, क्योंकि जब बच्चे ना ये एक से दो होते हैं ना तो फिर उधम धाड़ मचाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा मारने मुड़ने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर हुसैन जो है ना वो तो माशाल्लाह पूरी रात ही जो है ना, अभी हमारे सर जो अभी रमज़ान में है ना यही रूटीन है कि पूरी रात ही जागते रहते हैं। हम लोग तो खैर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं या फिर और जो है वो काम अपने निपटा लेते हैं, मगर बच्चे जो है ना हमारे साथ साथ ही खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मोतर बना रही है अभी पराठे, और ये चाय का पानी है ना अभी रख दिया, और मोतर ने ना कहा था कि मैं आज पाए से सहरी करूँगी, तो अभी जो है ना मोहसिन लेकर आया। तो मैं तो खैर पाए नहीं खाती, मगर ये है कि उसके शोर में जो है ना बस थोड़ा सा मैं चख लेती हूँ, क्योंकि फिर जो ना एक तो हलक भी खुश्क होता है, दूसरा ये है कि मुझे ना अच्छे लगते हैं, मगर ये है कि वो मैं ज़्यादा नहीं खाती। तो अभी जो है ना बस हम यही सोच रहे थे कि अभी आज हम इतना टाइम हो गया अभी क्या बनाएं, तो बस आज जो है ना बस सिंपल सी हमारी सहरी होगी, यानी हमारे सहरी में पराठे होंगे, अंडे होंगे और चाय वगैरह होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज 15वां रोज़ा हो गया और बस दिन जो है ना ऐसे जा रहे हैं, और अभी बस 15 ही रोज़े रह गए होंगे। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये भी जो है ना आधे रोज़े वो भी अल्लाह पाक साथ खैरियत से हो जाएं, और अल्लाह पाक सबको हिम्मत ताकत दे। और हर रोज़े में मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हिम्मत देना, और ये तैसीर है ना ये गुदा निकाल के दिखा रहा है, ये खाएगा नहीं मगर ये दिखा रहा है कि मैं ये खाऊँगा, और ये अभी जो है ना वो दिखा रहा था, कह रहा था मम्मी मैं ये खा लूँ, मैंने कहा नहीं बेटा ये बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं और हम लोग तो खाते नहीं, इसलिए हमें जो है ना मुआफ़िक भी नहीं आते। तो बस अभी जो है ना सेरी खा के वैसे भी जो है ना बैठ जाते हैं, क्योंकि कुरान पाक पढ़ लेते हैं और फिर ज़रा थोड़ी देर लेट जाते हैं, तो फिर जो है ना हज़म भी नहीं हो पाती, इस वजह से जो है ना हेवी जाते हैं। और सुबह तो वैसे भी जो है ना काफ़ी देर बाद होती है, और अभी जो है ना बस यहाँ पर जो है ना ऊपर जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि आज ही हमने ऊपर है ना ऊपर भी थोड़ा बहुत काम किया था, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना बस जल्दी जल्दी जो है ना कुरान पाक कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है मुझे बाज़ार भी जाना है और बच्चों के लिए ना ईद के कपड़े वगैरह लेने हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने ऑनलाइन कुछ बेडशीट मंगवाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बड़ी अच्छी खूबसूरत और बिल्कुल जो है ना रिजनेबल प्राइस पे मिल गई मुझे, क्योंकि बेडशीट का ना एक तो वेट बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि उनको उठा के लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से मैंने ऑनलाइन मैंने ना तहसीन से कहा था कि ऑर्डर कर देना, मुझे तो मैं तो नहीं मंगवाती ऑनलाइन, क्योंकि मुझसे ना एक दफ़ा डबल मुझसे क्लिक हो गया था और डबल पार्सल आ गया था, इस वजह से ना मैं नहीं मंगवाती। तो ये होता है कि ऑनलाइन में कुछ चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो हमारे हमें पसंद नहीं होती। तो ज़्यादातर मैं ये कहती हूँ कि जो कपड़े वगैरह जो है ना, जैसे ऐसे स्टिच कपड़े जो है ना वो देख कर ही लेना चाहिए, और शूज़ वगैरह जो है ना खुद जाके लेना चाहिए। अभी जी यहाँ पर है ना हम लोग नीचे जो सेरी बना रहे हैं ना, तो मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर जो बनाते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक ठंडी ठंडी हवा भी आती है, और बिल्कुल आसमान के नीचे बनाते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस हमने लगा चलो जल्दी जल्दी हम लोग सेरी बना लेते हैं, और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं बताइएगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ों की रमज़ान की रौनक और बरकत से जो है ना सारा ही मोहल्ला जो है ना पूरा सभी लोग जाग रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, बस पूरे साल जो है ना रमज़ान की रातें और दिन जो है ना याद आते हैं। अभी जी माशाल्लाह से हम आ गए अपने दस्तरखान पे, और ये जो है ना हमारा जल्दी जल्दी हमने सहरी बना ली, और सहरी की तो बात ही कुछ और होती है,
और इफ्तारी की भी कुछ और ही बात होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये दूसरे दिन सुबह का मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी तरफ का जो है ना रोड बन रहा है। और आज मैं आपको अपना ये दरख्त दिखा रही हूँ, जो इसके बाद आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि रोड जब चौड़ा हो रहा है ना, तो सारे जितने भी दरख्त थे ना, सब काट दिए इन्होंने। तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही मैंने पाला है इसको, बच्चों की तरह से। आप यकीन करें, छोटा सा पौधा मैंने लगाया था। रोज़ाना सुबह उठकर ना, सबसे पहले मैं बाहर निकल के इसको देखती थी गैलरी में से, कि किसी बकरी बकरी ने खाया तो नहीं पौधा। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह फिर जो है ना, ये इतना बड़ा हुआ। और अब जो है ना, ये बस ये लोग काट देंगे तो मुझे इतना दुख हो रहा है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती ताकि यादगार के तौर पर जो है ना ये रहेगा। और मैं तो बस दुआ कर रही थी कि ये पेड़ नहीं काटें, मगर ये है कि पेड़ ज़रा सा ना, जैसे घर से हमारा थोड़ा दूर है, तो बस ये रोड बन रहा है। वैसे हमारी बाउंड्री वगैरह जो है ना, वो तो तोड़ दी है, सभी की तोड़ी है। तो वो जो हमें जगह मिली थी, वो तोड़ करना इन्होंने अभी रोड थोड़ा सा जो है ना चौड़ा कर रहे हैं। तो जी, यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, चिल्तन प्योर का है, चंपी मास्टर तेल है ये। और ये तेल जो है ना, मालिश करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों में, हर किस्म के बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों के, बड़ों के और लड़कों के भी जो है ना। आप इसको तेल को लगा के थोड़ी सी चंपी कर लेना, तो बाल आपके जो खुश्क होते हैं ना, वो भी हेल्दी और खूबसूरत नज़र आते हैं। और खुश्की वगैरह जो होती है ना, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो रोज़े में तो हम लगा नहीं सकते, मगर ये कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद अपने सर पे ऑयल लगा के दूसरे दिन जो है ना सर वॉश कर लें। अच्छा, अगर आपको ये मंगवाना है चंपी ऑयल, तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शवान लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जी, ज़रूर मंगवाएं, अपने बालों का ख्याल रखें, क्योंकि बाल जो है ना, बालों से इंसान की खूबसूरती होती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों या फिर मुझ जैसी औरतें हों, सभी के लिए बाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ज़रूर मंगाएं, अपने बालों का ख्याल रखें। तो इफ्तार पार्टी में ना सदर गिफ्ट लेके आई थी, शनाज भी लेकर आई थी मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पर्स लेकर आई अंबर के लिए, सदफ है ना, लाइबा ने दिया ये। और सदफ ने दिया मुझे ये बेडशीट, बहुत ही प्यारी लग रही है। और शनाज लेकर आई थी, मोतर के लिए थी लेकर आई, तो मैंने कहा मेरे लिए क्यों लेकर आई, तो बस वो कह रही मैं अपनी खुशी से लाई हूँ, मैंने मना भी करा था। तो ये शनाज लेकर आई मेरे लिए। और हम लोग है ना, शादी से पहले भी जब हम क्लास में हमें पढ़ते थे ना स्कूल में, तब भी हम हर ईद ईद ही बाकायदा हमारी जाती थी। तो ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है सूट, इस तरह से जो है ना ये सिलने के बाद ऐसा लगेगा। अच्छा, ये मैंने अभी भी मैंने देखा नहीं है, मैं अभी आपके सामने खोल के दिखा रही हूँ। ये इसकी जो है ना शर्ट है, और ये गला बना हुआ है, और जी ये इसका ट्राउजर है, और ये इसका, अच्छा, दुपट्टे पे ना पूरे पे ये ऐसी बड़े प्यारे कंगूरे बने हुए हैं। तो ये शनाज मेरे लिए सूट लेकर आई ईद का, और ये दिया है अंबर को स्कार्फ, और गुड़िया के लिए भी लेकर आई थी बेडशीट और सिवैया वगैरह थी। तो वो आप उसकी वीडियो में देखिएगा आप कि उसको क्या बेडशीट कैसे दिए, मैंने बस ऐसी देखी थी, खोली हुई थी मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जो है ना मैंने मंगाई थी ये बेडशीट, तो इससे पहले भी मैंने मंगाई थी, मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने मंगाई। मैंने कि ये जो है ना कुछ गिफ्ट में भी दूंगी और कुछ जो है ना मैं घर पर रखूंगी। तो अभी जो है ना ये बड़ा सा बैग है जो पैक हो गया है, और इसके अंदर है ना कंफर्ट भी है ना, तो ये मैंने मंगवाया था। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैंने मंगवाया है, ये फैसलाबाद से आया है, और इसके पैकिंग खोल के देखते हैं। देख, मैंने देखा नहीं इसको खोल के, ये इस तरह से है। मुझे थोड़े तेज कलर में या लाइट कलर में भी ना अच्छी लगती है, जैसे बेस लाइट कलर में हो, उस पर प्रिंट हो। अच्छा, ये इसके तकिए हैं, और ये इसके ना अपने क्या खोलूँ, इतना बड़ा क्या चीज़ है, बेडशीट है शायद, ये कंफर्ट कंफर्ट है इसके साथ। उसके कलर कैसे लग रहा है ये बताइएगा, बस मैंने इसको देख के ही ना मंगवाया था। अच्छा, ये बेडशीट है, बस। अच्छा, दो तकिए इसके सिंपल सिले हुए हैं, और दो तकिए जो है ना ये इस तरह से सिले हुए हैं। ये
ये कुशन है इसके साथ, बाकी कम्फर्ट है। अच्छा एक ये मैंने मंगाया था और ये एक लाइट कलर में मंगवाया था एक बेडशीट। अच्छा ऐसी मैंने पहले भी मंगवाई थी मगर मैंने अभी एक और मंगवाई है ये येलो कलर में, और इसके अंदर टोटल जो है ना चार बेडशीट है और एक वाली ग्रीन कलर मंगवाया है। ये तहसील ने पसंद करके मंगवाया, कह रहा मुझे अच्छी लग रही है ग्रीन और वाइट इसके ना डिज़ाइन बना। तो जी ये ना इसके अंदर ये सिली भी है सारी बेडशीट, ये है इसका कुशन और चार इसके तकिए गिलाफ है, दो इस तरह से तकिए कवर है। और अच्छा सबसे अच्छी बात है कि कंफर्ट के साथ है ना, तो इसको आप जो है ना एसी रूम में आप ना लेके लेट सकते हैं। अच्छा ये बेडशीट है, ये मैं खोल के दिखाती हूँ, कपड़ा भी इसका अच्छा है प्योर पैटर्न का है ये जी। देखिए भाई कपड़े दुकान वालों पे शाबाशी, इतना खोल खोल के दिखाते और फिर तय भी करते, मैं तो खोलने में मेरे हाथ दुख गए। ये ऐसे बेडशीट है इसकी। अच्छा दो तकियों की गिलाफ है ना वो इस तरह थे ये वाले डिजाइन में, और ये इस तरह है। तो घर बैठ के मंगा ली, इसमें क्या बुरा है, और इतना वजन में अगर मैं लेकर आती ना तो नहीं ला सकती थी मैं, घर पे ही जो है ना मैंने मंगवा ली। और अब देखो ये किसको देती हूँ मैं, और प्यारी भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये भी कलर ना अच्छे लग रहे थे मुझे, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है ना प्रिंट है इसका, ये इसका कुशन है और ये इसके कवर है तकियों के, ये प्लेन है और ये फोमिंग में है इस तरह, चार इसके तकिए कवर है और ये कंफर्ट है। और जी ये है येलो कलर में है इसके तकिए कवर का, तो ये सब कंफर्ट ऐसे ही है सबके अंदर है ना, ये पीछे से इधर से अलग डिजाइन है और इधर से अलग डिजाइन है और हल्का सा भी है, कोई भारी सा भी नहीं है। अच्छा इसके लिए मैं इसके गिलाफ भी दिखा देती हूँ, इसका इस तरह से है ना, कैसे वो जो मंगाए थे वो अलग डिजाइन था ना। हाँ वो अलग था। और दो तकिए गिलाफ ऐसे सिले हुए, ये इसकी बेडशीट है ठीक है, ये इसका तकिए, ये है कुशन कवर और ये है इसके प्लेन कवर इसके तकियों, और ये इसके तकियों के कवर हैं ये प्रिंटेड, ये है फोमिंग में, ये है कुशन और ये है कंफर्ट। तो ये देखिए सारे जो सेट हैं सब इसी तरीके से हैं। तो बस जो है ना इसके लिए मंगाई है हमने, अल्लाह पाक बस बरतना नसीब करे, क्योंकि रोजे में मेरा बिल्कुल भी बाहर मेरा जाना नहीं होता और थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, घर के काम में थक जाती हूँ, अभी तक तो मैं बिल्कुल अभी गई नहीं हूँ। चले जी यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।